नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार का नंबर वन यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। हम बात कर रहे हैं पटना की नई एसएसपी गरिमा मलिक की। तो गरिमा मलिक ने आज 4 जनवरी को पटना के एसएसपी का पदभार संभाल लिया है। हमारे संवाददाता सुजीत सागर ने एसएसपी गरिमा मलिक से खास बातचीत की है, आप पहले वो सुनिए। देखिए, बेसिक टेनेट्स जो है पुलिसिंग के वो है सेंसिटिव पुलिसिंग, रिस्पॉन्सिव पुलिसिंग। हम लोगों का उसी पर जो है वही हमारा आधार रहेगा और उसी पे जोर रहेगा, और बाकी कोशिश रहेगी कि हम लोग प्रिवेंटिव पुलिसिंग करें और जहां पर क्राइम जो है होता है उसका हम लोग जल्द से जल्द डिटेक्शन करें। आपके आने के पहले ही अपराधियों ने चुनौती दे रखी, आपके पति देव के घर में भी चोरी की एक घटना हुई। देखिए, ऐसा तो कोई मेरी जो है जानकारी में नहीं है मुद्दा। बाकी कभी भी जो पुलिस है, पुलिस का आवश्यकता जो है वो इसीलिए है क्योंकि अपराध जो है वो है। हम लोग कभी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि अपराध मौजूद नहीं है या अपराधी या शरारती तत्व मौजूद नहीं है, इसीलिए पुलिस की आवश्यकता है। तो एज अ टीम हम लोग काम करके उस अपराध को, जैसे हमने पहले बोला कि पहले कुछ ऐसी हम लोग स्ट्रेटजीज बनाए जिससे प्रिवेंशन हो सके जहां तक पॉसिबल है अपराध का, और जहां अगर हो भी तो उसको हम लोग डिटेक्ट करें। अपराधी जो है उसको हम लोग वी शुड ब्रिंग देम टू बुक, उनको हम लोग जो है लीगली उनको जो पनिश करना है वो पनिश करेंगे। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बोला, बाकी केस विशेष के बारे में चूंकि मैंने अभी आप लोगों के सामने चार्ज लिया ही है तो मैं अपनी टीम जो है उनसे बात करके तभी उस पर आगे रिस्पॉन्ड कर पाऊंगी। लेकिन अपराध जो है उस पर हम लोग एज अ टीम वर्क करके जो है उस पर जो है अंकुश लगा सके, उस पर कमान कर सके, इसकी हम लोगों की पूरी जो है वो कोशिश इसकी तरफ टीम में रहेगी। टीम में जो सपोर्ट नहीं करेंगे वैसे अधिकारी वैसे जवानों को चिन्हित करके कार्रवाई भी आगे। जी देखिए, सभी लोग यहाँ पे जो है एज प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, ठीक है ना, सभी अपना जो कार्य उनको जो करना है वो कर रहे हैं और जो उनसे अपेक्षित कार्य है अगर कोई भी कहीं नहीं करेंगे तो उसके लिए हम लोगों के महकमे में प्रॉपर जो है उसमें बनी हुई है कार्रवाई उसके तहत बिल्कुल। मैडम, गया और दरभंगा के मामले में पटना आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जी, चुनौती को स्वीकार करते हैं बिल्कुल। हर जो हम मेरा मानना है कि जो भी पोस्ट होती है या जो भी जहां जहां कोई व्यक्ति जो है किसी भी प्रोफेशन में काम करता है तो वो वहां से जो है सीखता है, एक्सपीरियंसेस लेता है, सभी एक्सपीरियंसेस जिससे कोई इंसान अगर अपनी पर्सनल जिंदगी में और कोई ऑफिसर अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में सीखता है तो वो उसके लिए अच्छे एक्सपीरियंसेस ही होते हैं। और हर जो आपका जहां आप जिधर जिधर है वो हर कार्य जो है वो उस समय आपके लिए चुनौती का ही होता है जिस समय आप वहां पर रहते हैं। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जहां बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वहां पर जो है बड़ी अपेक्षाएं भी होती हैं और बड़ा चुनौती भी होता है। उसी हिसाब से जो है पटना पुलिस जो है ये चुनौती पटना पुलिस ने हमेशा से नहीं, आज से नहीं हमेशा से ही स्वीकार की है और आगे भी पूरी कोशिश रहेगी कि जो जनता है उसकी अपेक्षा पर पटना पुलिस जो है वो खरी उतरे। तो जाहिर है पटना की कमान अब एसएसपी गरिमा मलिक के कंधों पर है। देखना ये होगा कि किस तरह से वो पटना में क्राइम को कंट्रोल कर पाती हैं, किस तरह से यहाँ की पुलिसिंग को और बेहतर बना पाती हैं, कितना पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग कर पाती हैं गरिमा मलिक। ये सारे सवाल उनके आने के साथ ही शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि आपने देखा किस तरह से 3 जनवरी को एसएसपी मनु महाराज डीआईजी बनने के बाद मुंगेर के लिए पटना से गए, उनकी भावुक विदाई दी गई पटना में। उन्होंने भी बहुत ही भावुक अंदाज में पटना वालों का शुक्रिया किया, भोजपुरी अंदाज में चेतावनी दी अपराधियों को और मुंगेर के लिए पटना से प्रस्थान कर गए। अब पटना में पटना की कमान एसएसपी गरिमा मलिक के कंधों पर है। देखना है कि गरिमा मलिक कितने अच्छे से और बेहतर ढंग से पटना की पुलिसिंग को और बेहतर बना पाती हैं, पटना में किस तरह से क्राइम को कंट्रोल कर पाती हैं। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहिए। हमारे संवाददाता सुजीत सागर की ये रिपोर्ट थी। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, इसके साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें।